हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे जितने भी सारे वीडियोस हैं उन सब से तो ये पता चल ही गया होगा दैट आई एम अ वेरी बिग कॉफ़ी एंड अ टी लवर। तो जाहिर है कि कॉफ़ी मग्स के कलेक्शंस भी रहेंगे, तो बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़े बहुत हैं। तो वही सारे कप्स एंड मग्स मैं आपसे अब शेयर करूँगी। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स पैटर्न के हैं। जब जब मेरा जो भी मन करता है मैं उनमें से किसी एक को पिक कर लेती हूँ और पी लेती हूँ। मूड भी ठीक रहता है, कोई मोनोटोनी भी फील नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं अपने राइट हैंड कॉर्नर से स्टार्ट करूँगी, इस वाले कप से। एंड ये वाला कप मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे दिखाया हुआ है, एक सिनेमन कॉफ़ी का रेसिपी अपलोड की थी जिसका थंबनेल है देखना कॉफ़ी विद अ ट्विस्ट। उसमें इस कप को मैंने यूज़ किया है। इट्स अ वेरी नाइस कप, ऐसे नेवी ब्लू ब्राउन एंड येलो में पैटर्न है। बेस कलर इसका वाइट है। क्वांटिटी भी इसका अच्छा है, 250 ml का है। मैक्सिमम जितने सारे मेरे कप्स हैं सब 250 ml के अप ही है। लास्ट मेरा 500 ml तक का है। नेक्स्ट ये है लीफ डिजाइन में, लीफ पैटर्न में। बहुत प्यारा कप है ये वाला, ऐसे। ये भी बहुत क्यूट है, इसका शेप मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। नेक्स्ट इसके पीछे जो कप है ये वाइट रेड एंड ब्लैक स्ट्राइप्स में है। एंड इसका ये जो हंडी शेप वाला डिज़ाइन है ये शेप मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। इसके इधर वाले कप से स्टार्ट करूँ, ये भी सेम है इस रेड वाइट के तरह। एंड ये ब्लैक एंड एश में है, ऐसे पैराशूट का डिज़ाइन है, हंडी शेप में है सब। नेक्स्ट जो कप है वो मैं आपको ये दोनों दिखाऊंगी। अब ये दोनों कप का एक स्टोरी है वो मैं बताती हूँ। ये कप पहले आप देख लीजिए क्या है। ये वाला कप मैंने अपने हस्बैंड को लास्ट ईयर वैलेंटाइंस डे में गिफ्ट किया था। ये और एक मग है जो मेरे हस्बैंड ने लास्ट ईयर मुझे गिफ्ट किया था, मतलब वैलेंटाइंस डे में हम दोनों एक दूसरे को सेम गिफ्ट किए थे। एंड सबसे मज़े की बात क्या है पता है, हम दोनों जब एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं तो वी आर लाइक व्हाट, ये कैसे हो सकता है। मतलब हम दोनों ने ही दोनों कप्स को साइड में देखे थे दुकान में, दोनों ही पास पास थे। एक टाइम पे जाके मैंने इस कप को पिक किया एंड दूसरे टाइम पे जाके उसने इस कप को पिक किया। एंड होता है ना जब गिफ्ट एक्सचेंज हो रहा है देन वी आर फीलिंग लाइक बाबरी, इतना मैचिंग। तो ये दोनों कप्स बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं हम दोनों के लिए। हम दोनों इस कप में हॉट चॉकलेट पिए थे शाम को। नेक्स्ट ये दोनों हैं, मैं एक करके पिक करके दिखाती हूँ। दोनों सेम ही हैं, देख सकते हो आप लोग। लाओपाला का मग है, इसके सामने जो पैटर्न किया हुआ है ये बहुत सुंदर है, फ्लोरल पैटर्न है। एंड वेट है इसका बहुत एंड ओवन प्रूफ है। नेक्स्ट ये दोनों, इसे कुल्हाड़ कहते हैं। जो नॉर्मली इसमें चाय का मज़ा बहुत ज़्यादा है, इसमें कॉफ़ी हम लोग पीते नहीं, इसमें चाय पीते हैं। वो दुकान में होता है ना जब भाड़ का चाय होता है, एकदम वो भाड़ लाइक फीलिंग आता है इसमें। तो दिस आर टू कुल्हाड़्स। नेक्स्ट आ जाऊँगी इसमें, एक हिबिस्कस का पैटर्न किया हुआ है, बटरफ्लाईज, हिबिस्कस एंड फ्लावर्स। ये भी बहुत ज़्यादा क्यूट कप है एंड इसमें मैं ही पीती हूँ, थोड़ा गर्ली गर्ली है। नेक्स्ट है एक ब्लैक एंड वाइट में, इसका पैटर्न मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था एंड ब्लैक एंड वाइट अगेन माई वेरी फेवरेट कॉम्बिनेशन। तो ये एक मग मेरा और एक फेवरेट मग है, सारे ही हैं, इसे एक को चूज़ नहीं कर सकती हूँ, इसलिए सारे लेके बैठी भी हूँ वीडियो के सामने। एंड इसका पैटर्न बहुत ज़्यादा सुंदर है। नेक्स्ट है ये चेक्स डिज़ाइन में, ये भी थोड़ा डिफरेंट लगा था मुझे तो मैंने इसको ले लिया है। ऐसे चेक पैटर्न में एक है। दूसरा जो कॉफ़ी मग है ये मैंने अपने हस्बैंड को गिफ्ट में दिया था उसके बर्थडे में, जिसमें ऐसे करके किंग लिखा हुआ है एंड आई एम इंटेलिजेंट स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट, ऐसा सारा कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। एंड ये कप मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है।
की मेरे घर में मज़े की बात क्या है पता है, जब भी गेस्ट लोग आते हैं जिनको जो बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड है चाय कॉफ़ी पीने के लिए, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, मेरे कुछ भाभियाँ भी हैं, तो मैं उन्हें पहले दिखा देती हूँ कि कौन से मग में पीना है। तो उन लोगों को यही पार्ट सबसे ज़्यादा पसंद आता है मेरा, कि मैं पहले उन लोग से चूज़ करवाती हूँ कि आपको कौन से सारे कॉफ़ी मग से पीना है, तो उनके अकॉर्डिंग मैं उसी मग पे उन्हीं को सर्व करती हूँ, एंड दे लाइक इट वेरी मच। ओके, नेक्स्ट है ये दो थर्मस कप हैं, एक ये ब्लू में है एंड ये वाला एक ग्रीन में है। तो जब भी हम लोग ट्रैवल करते हैं, कहीं पे जाना है, तो मैं इसको लेके जाती हूँ। ये अनब्रेकेबल है, टूटते नहीं है, एंड थर्मस है, यहाँ पे ऐसा ढक्कन लगा हुआ है, एंड लाइक आई शो यू, इसका जो अंदर का पार्ट है वो ऐसे कोटेड है, एंड कुछ गर्म सामान अगर रख दूँ तो 1 आवर तक ये गर्म रहता है। ऐसे फ्लास्क तो कैरी करते ही हैं। और एक है जो मैं इस ये वाले चिक्स ब्लू के साथ मैं ली थी, ये ग्रीन मग, ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। इसका ही पैटर्न मुझे पसंद आया था, मेन इसका जो ये सोबर पेस्टल शेड का ग्रीन कलर है, ये वाला कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो ये कप भी मेरा बहुत फेवरेट है। ओके, नाउ दिस 4 mugs, ये सारे मैंने एक साथ ही लिए थे, एंड इसमें भी ऐसे ब्लैक एंड वाइट पैटर्न किया हुआ है, चारों कप ब्लैक एंड वाइट में ही हैं। इसमें जैसे वाइट में एक चेक्स डिज़ाइन है, इसका भी एक और डिज़ाइन है, इसका बेस कलर वाइट है एंड पोल का ब्लैक में है, एंड इसका बेस कलर ब्लैक में है एंड पोल का वाइट में है। एंड मैं इसका लमसम साइज़ दिखा देती हूँ, ये बड़ा है, नो डाउट बड़ा है। ये चारों मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट मग्स हैं। ओके, नाउ ये एक है ग्लास का, ये बॉजन के पास है, कॉमन, वेरी कॉमन। इसमें मेनली मेरा सुबह का जो भी मॉर्निंग ड्रिंक होता है मैं वो ले लेती हूँ, या फिर कोल्ड कॉफ़ी, या कोई शेक्स हो गया, जूस हो गया, तो बेसिकली इस मग में वो सब ज़्यादा पिया जाता है, मतलब मैं पीती हूँ। अब नेक्स्ट मैं इन दोनों पे आ जाऊँगी, ये वाला एंड ये वाला ऑलरेडी मैं दिखा चुकी हूँ बीच में। ये दोनों आप लोगों को पता ही होगा जो लोग मेरे व्लॉग देख रहे हैं, रिसेंट हम लोग दार्जिलिंग गए थे, तो दार्जिलिंग से ये दोनों मग्स मैंने ख़रीदा था। सबसे पहले मैं ये वाले मग से स्टार्ट करूँगी, ये ऐसे वाइट एंड ब्लू में है, एंड इसका ये मिरर फिनिश मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ये मिरर फिनिश में है और बहुत बड़ा है, इसका पेंटिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ये वाइट एंड ब्लू में, ये एकदम प्रॉपर सिरेमिक का बना है, एंड इसको ऐसे कान पे लगाने से ना एक अंदर से साउंड आता है। एंड ये ढक्कन, इसका अंदर का पार्ट। नेक्स्ट ये वाला भी है, ये बहुत ज़्यादा फेवरेट है, वो वाला तो पैटर्न के लिए मैं ख़रीदी हूँ, एंड ये वाला इसके स्टाइल के लिए, एकदम पेल येलो एंड पिंक में लिखा हुआ है ऐसे किटन, क्यूट एंड चार्मिंग। इसका ढक्कन गोल्डन में है, इसमें भी मिरर फिनिश है, बहुत क्यूट है, माई फेवरेट वन। अब लास्ट, सारे अभी तक मैं दिखा चुकी हूँ, लास्ट जो 2 mug रह गए हैं, द स्टार मग, ये दोनों, तो ये बेसिकली बियर मग्स हैं, इससे कॉफ़ी मग तो कहाँ नहीं जा सकता, दिस आर बियर मग्स, बहुत बड़े हैं, देख सकते हो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ले लेती इसमें, इसको 3 ways में मैं यूज़ करती हूँ। एक तो इतना तक मैं पेबल्स भर लेती हूँ, फिर उसके इतना तक सीशल्स जो भी है मेरे घर पे उसको डाल देती हूँ, फिर बाकी का पूरा पानी फिल कर देती हूँ, ऊपर एक टीलाइट कैंडल लेके ऐसे सेंटर टेबल के बीच में सजा के रखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। एक वो मैं सेंटर पीस के हिसाब से सजा के रखती हूँ। नेक्स्ट इसमें फ्लावर्स डाल देती हूँ, एंड थर्ड कुछ नहीं हुआ तो मैं अपना डिटॉक्स वाटर इसमें बना के रख देती हूँ। ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, अंदर का डायमीटर देखो समझ में आ जाएगा, बहुत बड़ा है।
दिस वॉज ऑल अबाउट माई मग कलेक्शन, इतना तक ही था। पता है मग कलेक्शन कभी एंडलेस नहीं है, मेरा वो होते ही रहेगा जितना टाइम जाएगा। हो सकता है कि दो दिन बाद ही और एक नया कॉफ़ी मग आ जाए, तो होता रहता है ऐसे। मग्स आर वेरी डिफरेंट, वेरी ब्यूटीफुल थिंग्स। कॉफ़ी मग ऐसे ही चीज़ होते हैं ना, जिन लोग को पसंद आता है वो लोग तो मतलब शिफ्ट करते ही रहते हैं। एक कॉफ़ी मग से तो मन भरता नहीं है। हस्बैंड बोलता है तो पी तो रही हो भाई, चाय और कॉफ़ी सेम चीज़, अलग अलग कंटेनर में पुट करने से क्या होता है भाई। कुछ नहीं, साइकोलॉजी है कि हाँ मूड के हिसाब से कॉफ़ी मग ले लूँ तो अच्छा लगता है। वो टाइम, वो कॉफ़ी पीने का जो टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब कल है संडे, कल को व्लॉग बनाना है एंड मोस्ट प्रोबेबली मंडे आई विल पोस्ट दैट। तो नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, तब तक खुश रहिएगा, अच्छे से रहिएगा, टेक केयर, टाटा। तो ये मेरे किचन में एक छोटा सा कॉफ़ी कॉर्नर है जिसे मैंने स्टिकर से सजाया है और यहाँ पे लिखा है इट्स कॉफ़ी टाइम, लेट्स एन्जॉय। यहाँ पे कभी कभार हम लोग वो टूल्स लेके बैठ के कॉफ़ी पी भी लेते हैं, अच्छा लगता है। छोटा सा एक थीम है मेरा, बहुत ही ज़्यादा ये प्रिटी कॉर्नर है। Here's my husband's cup and here's my छोटू मोटू cup. Entire thing looks like this.